आखिर क्यों किया फैंस ने टाइगर को ट्रोल? क्या होगी फिल्म की स्टोरी? कौन है बागी के कॉम्पिटिटर्स? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्रैड स्टूडियोज में। दोस्तों, बागी का मतलब होता है रेबल, और टाइगर को भी हमें उनकी फिल्म में एक बहुत बड़े रेबलिस्ट ही दिखाया गया है। बता दें कि बागी के लगातार 3 सीक्वल्स आ चुके हैं। बागी का पहला सीक्वल तो सभी ने देखा ही होगा। आपको बता दें कि बागी फिल्म एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसने 2016 में अपना पहला सीक्वल रिलीज किया था। बता दें, फिल्म को डायरेक्ट किया था शब्बीर खान ने और फिल्म को लिखा था संजीव दत्त ने। फिल्म को प्रोड्यूस किया था साजिद नाडियाडवाला ने। इस पार्ट के रिलीज होते ही बागी के 2 सीक्वल्स और आ गए थे, जिसमें हमें श्रद्धा कपूर और दिशा पाटनी को भी देखा। दोस्तों, साजिद तैयार हैं अब एक और बागी के सीक्वल के साथ। इस बात की घोषणा नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट ने की है। ये घोषणा डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम पर की थी। फिल्म स्लॉट सनकी, बावल और बागी 4 शामिल है। जहां सनकी और बावल में वरुण धवन मुख्य भूमिका में होंगे, वहीं बागी 4 में टाइगर श्रॉफ की फ्रेंचाइजी में वापसी होगी। बता दें कि पहली बागी फिल्म 2016 में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर बहुत हिट रही थी। सीक्वल बागी 2 में 2018 में रिलीज हुई, वो और भी बड़ी हिट थी। लेकिन फिर जबरदस्त बागी 3 2020 में आई, जिसने कोरोना लहर के शुरुआती दिनों में बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया था। अब चौथी फिल्म की घोषणा ने फैंस को दुखी कर दिया है। ऐसा लगता है कि टाइगर श्रॉफ के फैंस नहीं चाहते कि उनका स्टार किसी वजह से ये फिल्म करे। टाइगर के फैंस ने उन्हें लिखा, एक यूजर ने लिखा, टाइगर भाई आप माँ की कसम खाएं और ये फिल्म ना कीजिए। दूसरे यूजर ने लिखा कि बागी के हर सीक्वल में कोई ना कोई किडनैप होता रहता है। पहले में गर्लफ्रेंड, दूसरे में बेटी, तीसरे में भाई और चौथे में क्या होगा, शायद टाइगर ही किडनैप हो जाएंगे। बता दें कि फैंस ने टाइगर से अपनी डिसएग्रीमेंट शेयर की है ट्विटर के जरिए। अब आगे देखना ये होगा कि टाइगर अपने फैंस को कन्विंस कर पाते हैं मूवी देखने के लिए या नहीं। आपको बता दें कि खबरें तो ऐसी आ रही है कि फिल्म में टाइगर श्रॉफ के ऑपोजिट सारा अली खान और इन दोनों की जोड़ी हमें देखने को मिल सकती है। अभी और कोई फिल्म की कास्ट नहीं रिवील की है। क्या लगता है आपको इस बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए आप करिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।